नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमिंदर चौधरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑडियंस रिटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑडियंस रिटेंशन होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बताने वाला हूं। ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर ही वीडियो चलती है। आपने कोई भी शॉर्ट्स या वीडियो अपलोड की है, डाउनलोड की है आपने अपने चैनल पर, लेकिन उसका आगे चलना ना चलना वो ऑडियंस के रिटेंशन पर ही डिपेंड होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आप कैसे चेक कर सकते हो कि किस वीडियो पे कितना ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है। तो आप ये अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हो। छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वीडियो पे बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप उसमें खोलेंगे क्रोम ब्राउजर। और क्रोम ब्राउजर भी आपको डेस्कटॉप साइड पर खोलना पड़ेगा, डेस्कटॉप साइड ऑन होनी चाहिए उसकी। तो इस तरह का जब आप उसमें अपने वाईटी स्टूडियो को ओपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, वाईटी स्टूडियो को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स पे जाने के बाद में फिर आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा सी मोर का ऑप्शंस, आप सी मोर पे जाएंगे और जो आपने वीडियो अपलोड की है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि 24 घंटे के बाद आप ऑडियंस रिएक्शन जो है देख सकते हैं, उससे पहले आप नहीं देख सकते। तो मान लो आपने कल कोई वीडियो अपलोड की थी, तो आज आप उसका ऑडियंस रिएक्शन देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो आप अपनी जो है वीडियो को आप जो है उठा के देख सकते हैं। मान लो मैं आपको ये वीडियो खोल के दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप चले जाएंगे इसके एनालिटिक्स पे, इस पर आप क्लिक करोगे। एनालिटिक्स पे जाने जाने एनालिटिक्स पे जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में आपको जाना है दोस्तों एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सामने आपके सामने आ जाएगा ऑडियंस रिटेक्शन। ऑडियंस रिटेक्शन आपको ये दिख रहा होगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 15 सेकेंड और ऑडियंस परसेंटेज व्यू 118%। तो यही होता है दोस्तों ऑडियंस रिटेक्शन, कि आप ऑडियंस ने आपकी वीडियो कितनी देखी है, कितने परसेंट देखी है। किसी की 40% देखते हैं, किसी 50% देखते हैं, किसी के ज़्यादा देखते हैं। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो दोस्तों। मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ, रीच पे जाके देख लेंगे। ये 2.5 मिलियन इसका इम्प्रेशन था, यानी कि शॉर्ट फीड में गया था, और 1.5 मिलियन ये वीडियो चली है। तो इसका ऑडियंस रिएक्शन ज़्यादा है, इसीलिए वीडियो चली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप जो है अपना ऑडियंस रिटेंशन जो है देख सकते हैं वीडियो का। यदि ये कम होगा तो वीडियो आपकी रुक जाएगी, और यदि ये अच्छा होगा तो वीडियो आपकी चलती रहेगी। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।